ऑल राइट, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा। बजट दो पार्ट्स में बनता है, एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर द बजटरी रिसीट्स, दीज आर द बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट्स अगर हम देखें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, हाउ डू वी क्लासीफाई वेदर द गिवन रिसीट्स इज अ रेवेन्यू रिसीट और अ कैपिटल रिसीट, विच डू नॉट अफेक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज टू बी मोर स्पेसिफिक, इट नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था, नाउ कमिंग टू नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स मतलब टैक्स को छोड़ के बाकी ऐसी रिसीट्स गवर्नमेंट की जिसके करके ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हुआ और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। ठीक है, दीज आर गिफ्ट्स ग्रांट्स डोनेशंस फीस फाइन परमिट एस्चीट स्पेशल असेसमेंट सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, उसके जो सरप्लसेस हैं प्रॉफिट्स हैं वो भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसीट है। ठीक है, गॉट इट। कमिंग टू कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, विच अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज विच आइदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये बेटे तीन तरह की है, मैंने कहा था इनको मेमोराइज कर लीजिए। फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड इज बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, एंड थर्ड इज अदर रिसीट्स विच इंक्लूड्स दिस इन्वेस्टमेंट। Out of these, this is debt creating, इसके करके गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, यानी इसको हम डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहते हैं। ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ये कैपिटल रिसीट्स कैसे हैं, सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन। आपने बांग्लादेश को लोन दिया हुआ है, जिसने लोन दिया है उसके लिए उसकी बैलेंस शीट में क्या होता है, वो एसेट या लाइबिलिटी? अकाउंट्स के स्टूडेंट है, बोर्ड नियर है। लोन इज नॉट ऑलवेज अ लाइबिलिटी, जब हम लोन लेते हैं वो लाइबिलिटी है, जब हम लोन देते हैं वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट रिफ्लेक्ट होता है। तो जब वो लोन वापस आ गया तो वो लोन की एंट्री हमारे बैलेंस शीट से निकल जाएगी, यानी एसेट रिड्यूस हो गया। तो जब एसेट रिड्यूस होता है, सॉरी आइदर रिड्यूसेस एसेट्स और क्रिएट्स लायबिलिटी। तो रिड्यूस हमारा एसेट जो है वो रिड्यूस हो गया, तो जब एसेट रिड्यूस हो गया तो ये कौन सी रिसीट होगी गवर्नमेंट के लिए, कैपिटल रिसीट। ओके, सेकंड इज बोरोइंग्स, गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को ऑफसेट करने के लिए पैसे बोरो करती है, बोरो करती है जनरल पब्लिक से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, आरबीआई से, किसी से भी बोरो करती है तो उसकी लायबिलिटी बनती है। तो जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो ऐसी रिसीट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट। ठीक है, थर्ड वन इज अदर रिसीट्स।
अदर सीट्स में मेनली आता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट के खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो गवर्नमेंट ने एक नया टूल निकाला है अपने डेफिसिट को ऑफसेट करने का 1991 में, जिसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचती है। एसेट्स कौन से? गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी इक्विटी को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। तो इक्विटी बेच के गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज आते हैं वो गवर्नमेंट की एक रिसीट है, और वो कैपिटल रिसीट क्यों कैटेगराइज की गई? क्योंकि उसके करके गवर्नमेंट के एसेट्स कम हुए हैं। गवर्नमेंट के शेयर्स पड़े हुए थे, वो शेयर्स बेच दिए तो शेयर्स कम हो गए ना। आपके पास जो शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, वो आपके एसेट्स है ना। आप कल को वो शेयर बेच दोगे तो आपके एसेट्स कम हो गए, ठीक है? तो उससे आपके पास फंड्स आते हैं, रिसीट्स आती हैं, तो उनको हम किधर कैटेगराइज करते हैं? कैपिटल रिसीट्स, ठीक है? सो ये हमारी तीन हो गई कैपिटल रिसीट्स। इन तीनों को लर्न कर लो। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसीट, वेदर द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट और नॉट और वाई, ठीक है? एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके अलावा और कोई कैपिटल रिसीट नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग्स, डिस इन्वेस्टमेंट। अब डिस इन्वेस्टमेंट सीधा नहीं लिखा आएगा, लिखा आएगा गवर्नमेंट सेलिंग इट्स शेयर्स ऑफ रेलवे टू सो एंड सो, गवर्नमेंट रिसीट सो एंड सो बाय सेलिंग इट्स शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, ठीक है? सो ये हो गया हमारा रिसीट साइड। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का दो तरह का है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जिसके करके ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। सॉरी, ठीक है, इधर हमने गलत लिखा था ना, फिर इधर, ठीक है, ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ये बेटे रूटीन का खर्चा है। आप रूटीन में खर्चा करते हैं अपने हाउस होल्ड में? क्या करते हैं आप? ग्रोसरी लेके आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, पेट्रोल का खर्चा करते हैं, मेड का खर्चा देते हैं, है ना? ये सारे खर्चे जो आपके घर में हो रहे हैं ये रूटीन के खर्चे, ये हाउस होल्ड को रन करने के लिए हो रहे हैं। इनके करके कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? आप 50,000 रुपए महीने के खर्च देते हैं ग्रोसरी के ऊपर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फीस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, क्या कोई घर में एसेट आ रहा है उसके करके? यहाँ कोई लायबिलिटी कम हो रही? कोई कर्जा आपने लिया हुआ कम हो रहा है? नहीं, ये आपका हाउस होल्ड को चलाने के लिए खर्चा है, ये रेकरिंग खर्चा है, रूटीन का खर्चा है, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट नाइदर नॉर रिड्यूसेस। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रूटीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर रनिंग इट्स कंट्री। इट इज रेकरिंग ऑल फ्रॉम आर रेवेन्यू, रूटीन, रेकरिंग, ठीक है? रेकर मतलब ये मंथली, ईयरली करना ही पड़ना, ये नहीं एक बार ही खर्चा कर दिया बात खत्म, नहीं, ठीक है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की एग्जांपल्स दो। वेज बिल, गवर्नमेंट अपने स्टाफ को जो वेजेस देती है, ठीक है, वो वेज बिल। फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स, आपने लोन लिया हुआ है आपकी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट से ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है फार्मर्स को, देती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, देती है हाउस होल्ड्स को, देती है, ठीक है? ग्रांट्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंजाब ने कहा भाई नहीं कोविड करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया है, हमने हॉस्पिटल्स खोलने हैं तो हमें 200 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये आपको हम ग्रांट दे देते हैं।
ग्रांट और लोन में डिफरेंस है। ग्रांट और लोन ग्रांटेड में डिफरेंस है। लोन ग्रांटेड इज लोन, गिवन की जगह ग्रांटेड वर्ड यूज कर लिया, बट लोन हैज टू बी रीपेड, ग्रांट हैज नॉट टू बी रीपेड। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डिफेंस पेमेंट्स, डिफेंस पेमेंट्स में ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा है, एयरक्राफ्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिफेंस पेमेंट बाकी की आर्म्स आए, एम्युनिशन आई, सैलरी पे की, वो डिफेंस पेमेंट्स है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये खर्चे करने पड़ते हैं रूटीन में। क्लियर, दीज आर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कमिंग टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? विच आइदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। ठीक है, आपने एक ऐसा खर्चा किया जिसके करके घर में कोई एसेट, घर के ऊपर एक फ्लोर बनाया, रूम बनाया, नई कार ली, एक्टिवा लिया, या लोन चल रहा था उसको रीपे कर दिया, ये सारे खर्चे जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इनके करके या तो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है और या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं, गवर्नमेंट कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है? गवर्नमेंट व्हेन इट परचेजेस प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट्स एसेट, व्हेन इट परचेजेस लैंड एंड बिल्डिंग क्रिएट्स एसेट्स, व्हेन इट परचेजेस शेयर्स ऑफ कंपनीज अगेन इट क्रिएट्स एसेट्स, देन व्हेन इट रीपे लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन इट रिड्यूसेस लायबिलिटी। दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है बेटे? यहां तक क्लियर? अब डेफिसिट की बात करें, व्हाट डू यू मीन? गवर्नमेंट तीन तरह के बजट बना सकती है, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। बैलेंस्ड बजट नाम से पता चल रहा है, व्हेन बजटरी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इक्वल्स बजटरी एक्सपेंडिचर। ये पॉसिबिलिटी बहुत लो है कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट बैलेंस्ड बजट बनाए। ठीक है, फिर दो चॉइसेस आती हैं, सरप्लस और डेफिसिट। वी इंटेंशनली मेक यूज ऑफ वन ऑफ दीज बजट्स। डेवलपिंग कंट्रीज जनरली मेक यूज ऑफ डेफिसिट बजट। व्हाट इज अ डेफिसिट बजट? व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर एक्सीड्स बजटरी रिसीट्स। सो बिकॉज वी आर इन द इनिशियल स्टेजेस और ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वी आर नॉट फुली डेवलप्ड कंट्री, तो इन ऑर्डर टू रन ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है ताकि ये हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो सके। ठीक है, तो वो डेफिसिट बजट ऑप्ट करती है। सरप्लस बजट व्हेन रिसीट्स आर, अब मैंने कहा हमारी जैसी कंट्रीज जनरली क्या ऑप्ट करती हैं? डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट, यानी हमारे जो रिसीट्स हैं वो एक्सपेंडिचर से कम होते हैं। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स बजट, से इट इज अ डेफिसिट बजट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ने फरवरी 1, 2021 को अपना बजट प्रेजेंट किया, ठीक है, और वो डेफिसिट बजट प्रेजेंट किया, तो हम सिर्फ एक फिगर देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि कितना घाटा है, कि अच्छा टोटल इतने की रिसीट्स थी, अच्छा इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा इतना घाटा है, इतने की बोरविंग करेगी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग जस्ट वन टाइप ऑफ डेफिसिट। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेफिसिट विच वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इन ऑर्डर टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वेरी सिंपल, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। यानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम नॉर्मल कोर्स में
1,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे और हमें टैक्स और नॉन टैक्स से जो रिसीट्स आ रही हैं वो 800 करोड़ आ रही हैं, लेकिन हमने खर्चा कितना करना है 1,000 करोड़, तो हमारा 200 करोड़ का क्या हुआ डेफिसिट। अगर आप बेटे इधर रिसीट्स लिखोगे तो ये -200 आ जाएगा, मेक्स नो डिफरेंस। डेफिसिट इज जनरली शोन बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है, ये क्या इंप्लाई करता है इकोनॉमी के लिए? आप इसको फिर अपने हाउस होल्ड पे लेके देखो, आप नॉर्मल कोर्स में अपना घर का खर्चा पानी चलाने के लिए आपको हर महीने 50,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन आपकी फैमिली की अर्निंग 45,000 रुपए, 5,000 रुपए घाटे में हुआ। इसका मतलब आप अपने हाउस होल्ड के बारे में क्या जजमेंट निकालोगे, दैट योर हाउस होल्ड इज अनएबल टू अर्न सफिशियंट इनकम टू रन इट्स नॉर्मल हाउस होल्ड। मतलब आपको अपना कंजम्पशन, आप एसेट थोड़ी ना ले रहे हो 50,000 में, घर का नॉर्मल खर्चा चला रहे हो, बिजली पानी रोटी कपड़ा और मकान चला रहे हो, है ना। तो इसका मतलब आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपनी कंजम्पशन की नीड्स फुलफिल कर सको, आप रूटीन का खर्चा कर सको। यही बात गवर्नमेंट पे अप्लाई करनी है, हमारे ऊपर नहीं करनी, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है, यानी ये गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीट करने में भी इट इज नॉट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग और रनिंग इट्स नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल डे टू डे खर्चा चलाने के लिए भी ये अनएबल है। यानी ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। इट्स नॉट, आप बोलो कि मैम खुद तो हमने डेफिसिट बजट लिया है, खुद तो लिया है, लेकिन ये खुद नहीं लिया, हमारे खर्चे इतने ज्यादा हैं और हम अपने टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट से उनको मीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज अनएबल टू मीट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो व्हाट शुड बी डन, देयर आर टू वेज, वी आइदर हैव टू कट डाउन एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, टैक्स बढ़ा के। इंडिया जैसी कंट्री में टैक्स ऐसे नहीं बढ़ता, टैक्सेबल कैपेसिटी ऑलरेडी वी आर ओवरबर्डन, हमारी कंट्री में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब 1,000 रुपए की इनकम के ऊपर हमें 1,500 कमाने पड़ते हैं 1,000 रुपया खर्चने के लिए, क्योंकि 500 रुपए हम टैक्स की फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो टैक्स रेट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल, और इंडिया में लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी कम है। एक्सपेंडिचर कट डाउन कौन सा करना है, अनप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हम कट डाउन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ डिबेट गोइंग ऑन सब्सिडीज के ऊपर, दैट गवर्नमेंट शुड कट डाउन सब्सिडीज, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, यस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी दिस इज फिस्कल डेफिसिट। देख लो कहां कहां हमने इस साल खर्चा करना है सारा, ठीक है, कहां कहां से हमें इनकम आ रही है, कितना लोन हमने रिकवर करना है, कितना टैक्स और नॉन टैक्स से आ रहा है, और कितना हम डिसइन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। अभी भी गैप आ रहा है, तो उस गैप को किससे मीट करना है, बोरोइंग से। ये जो गैप है ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग लाइबिलिटी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, मैंने शायद डाला भी था एमसीक्यू में, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, ट्रू और फॉल्स,
इट इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी. इन्फ्लेशनरी का मतलब जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं. एक तरह से सही लगती है ये स्टेटमेंट. बेटे बी अटेंटिव, जब गवर्नमेंट बोरो करती है उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है. आरबीआई से पैसे ले लिए गवर्नमेंट ने, मनी सप्लाई बढ़ गई. मनी सप्लाई और प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशन है. मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे. आप सबको मैं 100-100 रुपए दे दूं, आप खर्चने जाओगे? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस बढ़ेंगे. ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी है लेकिन नॉट ऑलवेज. अगर गवर्नमेंट ने ये जो बोरोइंग्स ली है उसको कंजम्पशन के ऊपर नहीं, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए, गवर्नमेंट ने उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मशीनरी लगाई, प्लांट खरीदा, बिल्डिंग बनाई, उससे क्या होगा? उससे आउटपुट लेवल बढ़ेगा. बेटे इन्फ्लेशन इज द डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई नहीं बढ़ रही तो प्राइसेस बढ़ेंगे. लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये पैसे कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन के ऊपर लगाए, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इसमें डिसइक्विलिब्रियम नहीं आएगा, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे. यानी फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी, सो इट इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी. व्हेन इज इट इन्फ्लेशनरी? व्हेन द फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस. अगर इसको कैपिटल गुड्स के लिए यूज हो गया, इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज हो गया, फिर ये इन्फ्लेशनरी नहीं होगा.